हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था जिसमें टोटल 473 पोस्ट स्टाफ नर्स के लिए निकाली गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर पटियाला के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, टोटल 30 पोस्ट यहाँ पर स्टाफ नर्स की निकाली गई थी गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आवेदन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 30 पोस्ट स्टाफ नर्स के लिए रेगुलर बेसिस निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 15 मई 2021 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, 15 मई 2021 तक आप लोगों को यहाँ पर आवेदन कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 स्टाफ नर्स के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं वो GGS मेडिकल कॉलेज की तरफ से मांगे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी और नंबर ऑफ पोस्ट। तो फ्रेंड्स, जनरल के लिए यहाँ पर टोटल 9, जनरल फीमेल के लिए यहाँ पर टोटल 4, जनरल EWS के लिए टोटल 2, जनरल EWS फीमेल के लिए 1, BC के लिए यहाँ पर 2, BC फीमेल के लिए यहाँ पर 1, एक्स सर्विस मैन जनरल के लिए यहाँ पर 1, एक्स सर्विस मैन BC के लिए यहाँ पर 1, एक्स सर्विस मैन फीमेल के लिए यहाँ पर 1, एक्स सर्विस मैन SC के लिए यहाँ पर 1, SC के लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी में 1 और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर टोटल 1। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 30 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे सैलरी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 29,200 रुपये 7th पे कमीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के पास 10+2 BSc या GNM का आप लोगों ने कोर्स कर रखा है और आप लोगों का यहाँ पर पंजाब नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, तो फ्रेंड्स वो लोग यहाँ पर अप्लाई करें। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1180 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ ही है, लेकिन यहाँ पर GST 180 रुपीज़ ऐड होकर यहाँ पर 1180 रुपये यहाँ पर आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 590 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स रखी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों की एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2021 से कैलकुलेट होगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिटन टेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों का रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।